टूटे हुए सपने की सुने कौन सिसकी, टूटे हुए सपने की सुने कौन सिसकी, अंतर को चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी, हार नहीं मानूंगा रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूं, गीत नया गाता हूं, गीत नया गाता हूं। अटल बिहारी वाजपेयी, वो नाम जिसके व्यक्तित्व को बताने में शब्द कम पड़ जाते हैं। उन्हें कवि कहें, करिश्माई नेता कहें, कूटनीतिज्ञ कहें, या कहें सबको अपना बना लेने वाला देश के दिलों के रत्न अटल अब भारत रत्न है। अटल जी इस देश के बहुत सफल प्रधानमंत्रियों में से और राजनीतिक नेताओं में से रहे हैं। देश की राजनीति और देश के प्रति उनकी सेवा आज की पीढ़ी ने भी देखी है। सच्चाई तो यह है कि हम भारत रत्न उन्हें दे रहे हैं, लेकिन इसमें कहीं दो मत नहीं है कि वह अनमोल रत्न है। और स्वतंत्र भारत के इतिहास में मैं कह सकता हूं कि वे एक ऐसे राजनेता हैं जिनके प्रति इस देश की जनता का निरंतर स्नेह और आदर समय के साथ बढ़ता चला गया। लेकिन राजनीति में जब आ गया और उसमें फंस गया तो मेरी इच्छा थी और अभी भी है कि मैं बेदाग इसमें से निकल जाऊं और लोग मेरे बात कहें कि अच्छा आदमी था जो देश को दुनिया को बेहतर बनाने की कोशिश करता रहा। ये अटल का अंदाज था, वो कविता कहें या भाषण दें, हर किसी को बांध देते थे। देश ने ऐसा असाधारण वक्ता कभी नहीं देखा। जब अटल बोलते थे तो हर कोई बस उन्हें ही सुनता था। सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। आज तो हम इतनी बड़ी संख्या में बैठे हैं कि आपके साथ कोई तुलना नहीं हो सकती। थोड़ी हम विजयी हुए, हमें विनम्रता है, पराजय में तो आत्ममंथन होना चाहिए। संसदीय राजनीति के 52 साल का अनुभव विशाल होता है। अटल ने देश को करवटें बदलते देखा है, राजनीतिक संघर्ष की जीती जागती मिसाल है अटल। 1952 में पहली बार सांसद, 1977 में विदेश मंत्री, संयुक्त राष्ट्र में पहली बार हिंदी में बोलने वाले नेता, लंबे वक्त तक विपक्ष के नेता, और फिर 3 बार देश के प्रधानमंत्री। भारतीय राजनीति में अटल ध्रुव तारे की तरह चमकते रहे। अटल जी को ये भारत रत्न मिला है और वो मैं तो ये मानता हूँ कि उनको जो भी पद मिलता है उस पद की महिमा बढ़ती है। अटल जी से तो हमारा बरसों बरस का साथ था और बीजेपी में रहते हुए भी वो हिंदुस्तान का जो कंपोजिट कल्चर है उसके प्रति हमेशा सजग रहते थे। अटल का व्यक्तित्व ही ऐसा है कि राजनैतिक विरोधी भी उन्हें अपना मानते हैं, लेकिन जब अटल नेता के अवतार में होते थे तो वो विरोधियों को भी छोड़ते नहीं थे। इस सदन में एक एक व्यक्ति की पार्टियां, एक एक व्यक्ति की पार्टी, और वो हमारे साथ हमारे खिलाफ जमघट करके और हमें हटाने का प्रयास कर रहे हैं। उन्हें प्रयास करने का पूरा अधिकार है, मगर है वो एक एक व्यक्ति की पार्टी। एकला चलो रे, और चलो एकला अपने चुनाव क्षेत्र से और दिल्ली में आकर हो जाओ इकट्ठे रे। अटल का अंदाज तो ऐसा था कि उनका जवाब सुनकर सवाल भी
हैरान हो जाते थे। अगर मैं दिल्ली से चुनाव लड़ता तो शायद अमिताभ बच्चन मेरे खिलाफ खड़े होते। चुनाव के पहले पत्रकारों ने मुझसे पूछा था कि अगर अमिताभ बच्चन आपके खिलाफ चुनाव लड़ते हैं तो आप क्या करेंगे। मैंने कहा मुझे रेखा से प्रार्थना करनी पड़ेगी कि वो हमारी तरफ से लड़े। ऐसे जवाब की तेज धार कहां देखने को मिलेगी। ये तेज धार उन्हें कविताओं से मिली जिनको खुद अटल गाते थे तो लोग सुनते ही रह जाते थे। अगणित बलिदानों से अर्जित यह स्वतंत्रता, शिव स्वेद शोणित से सिंचित यह स्वतंत्रता, त्याग तेज तप बल से रक्षित यह स्वतंत्रता, दुखी मनुजता के हित अर्पित यह स्वतंत्रता। इसे मिटाने की साजिश करने वालों से कह दो चिंगारी का खेल पूरा होता है। मुझे अपनी इस प्रतिभा का अभी तक पता नहीं था कि मेरी लिखी हुई कविता गाई भी जा सकती है और उस पर नृत्य भी हो सकता है। राजनीति में उंगलियों पर नचाने की कोशिश होती है। ग्वालियर की गलियों से निकलकर भारत रत्न बन जाना अटल की अद्भुत यात्रा है। पृथ्वी लाखों वर्ष पुरानी, जीवन एक अनंत कहानी, पर तन की अपनी सीमाएं, यद्यपि 100 शरदों की वाणी, इतना काफी है अंतिम दस्तक पर खुद दरवाजा खोलें, इतना काफी है